चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कसी कमर। अरविंद केजरीवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। नवाब मलिक अब नया आरोप, कहा वानखेड़े किंगपिन है और उन्हें फडणवीस ने नियुक्त किया था। शिकायत की केंद्र सरकार को धमकी, कहा केंद्र के पास 26 नवंबर तक का समय, इसके बाद गांव छोड़कर दिल्ली के चारों बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा डेंगू का खतरा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक, कई उच्च अधिकारी होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कब थमेगा वारदातों का सिलसिला? जी हां, ये सवाल आज इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर इसकी असलियत तो कुछ और ही नजर आती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर अपराध की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। तो यूपी में बढ़ते अपराध की 5 तस्वीरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनके जरिए हम आपको बताएंगे आजकल पूरे यूपी में अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है, जहां पर अपराध अपने चरम पर है और सुरक्षा व्यवस्था का खस्ता हाल है। तो पहली तस्वीर अमरोहा से है और ऐसे में आपको बता दें कि अमरोहा में इंसाफ न मिलने पर एक नाबालिग ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां एक दबंग सेल्समैन की दबंगई देखने को मिली है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें हम आपको बताएंगे लखनऊ की खबर, जहां एक थाने के पास ही दो युवकों में मारपीट हो जाती है और पुलिस इसको इसकी भनक तक नहीं पड़ती है। वहीं चौथी तस्वीर हो गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों ने एक होटल संचालक से रंगदारी मांगी। और पांचवी तस्वीर बुलंदशहर से है, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमरोहा, गाजियाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर की, जहां पर बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं लेकिन लगाम लगाने वाला उन पर कोई भी नजर नहीं आता। यूपी सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लाख वादे कर ले कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, अपराध का ग्राफ बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन ये 5 तस्वीरें इस बात का सबूत देती है कि यूपी में अभी अपराध का ग्राफ कोई कम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, उससे तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यूपी में अपराध ये वारदातें थमेंगी कहां। इसीलिए आज हम आपके सामने ये 5 तस्वीरें लेकर आए हैं और एक एक कर इन तस्वीरों से आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डिटेल में कि कहां पर क्या कुछ हुआ है और विस्तार से इस पर आज चर्चा भी करेंगे, क्योंकि चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां अमरोहा में किस कदर अपराध चरम पर है, ये अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पहले ही एक नाबालिग का रेप हो जाता है और फिर मामले में कार्रवाई तक नहीं होती, जिसकी वजह से अपराधी यूं ही खुलेआम घूमते रहते हैं। जी हां, आपको बता दें कि अमरोहा के एक गांव में एक नाबालिग से एक युवक ने बलात्कार किया, जिसके बाद जब नाबालिग पुलिस के पास मामले में इंसाफ की गुहार लगाने गई तो वहां से भी उसे सिर्फ निराशा ही मिली, जिसके बाद मायूस होकर आखिरकार नाबालिग के पास मौत को गले लगाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं रहा और आखिरकार उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि नाबालिग से तकरीबन 1 महीने पहले युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। तो अमरोहा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची को एक युवक ने अपने चुंगुल में फंसाकर और घिनौनी हरकत को वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद नाबालिग बच्ची पुलिस के चक्कर काटती रही, थानों के चक्कर काटती रही अपने परिजनों के साथ, लेकिन उसके बाद भी नाबालिग बच्ची कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उस नाबालिग के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा और उस मासूम बच्ची ने मौत को अपने गले लगा लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि मायूस नाबालिग ने जो आत्महत्या की, उसका आखिरकार जिम्मेदार क्यों है, क्योंकि नाबालिग बच्ची तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जो उसके आरोपी हैं, जो लोग हैं, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर रही है।
वहीं दूसरी खबर का रुख करेंगे और ऐसे में मुजफ्फरनगर में पुलिस के ढीले रवैये को देखते हुए यहां पर बदमाश अपनी दबंगई खुलेआम दिखा रहे हैं। जी हां, ताजा मामला जानसठ कोतवाली इलाके के किशन गांव का है, जहां एक दबंग सेल्समैन ने एक ग्राहक को डंडे से पीट पीट कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने सेल्समैन के सामने, आपको बता दें, सामान को ओवर रेटेड देने का विरोध किया, जिससे सेल्समैन भड़क गया और उसने ग्राहक की पिटाई कर दी। वहीं इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस दबंग सेल्समैन पर पुलिस कब कार्रवाई करती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरनगर की, कि अपराध किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, कि सेल्समैन की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेल्समैन किस तरह से ग्राहक को पीट रहा है और आसपास बचाने वाला कोई नहीं। हालांकि युवक जरूर खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बचाने की कोई भी उसको कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे, वो किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता तस्लीम राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्लीम, जिस तरह से यूपी में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मुजफ्फरनगर की ताजा तस्वीर सामने आई है, जहां पर सेल्समैन की दबंगई सामने आई है, अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है? देखिये पारुल, बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरा मामला जानसठ तहसील क्षेत्र का है, जहाँ पर एक सेल्समैन ने जो रेट थी, यानी जो दर थी, दरों का विरोध किया, जिसके चलते सेल्समैन ने जमकर, कहीं ना कहीं सेल्समैन ने जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसको अपनी दबंगाई दिखाई, और यहीं तक नहीं, दबंगाई के साथ साथ जमकर मारपीट की। तो वही आप देख सकते हैं, जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है मारपीट का, और जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद पूरी तरह से हड़कंप मचा है। वहीं पुलिस मामले की जांच चुकी है और कार्रवाई करने में लगी है। जी बिल्कुल तसीम, तो क्या अभी तक सेल्समैन की गिरफ्तारी हो पाई है? क्या पता चल पाया है कि वो अभी कहाँ है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा पारुल, जो ये आरोपी है, हालांकि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर पुलिस ने कहीं ना कहीं जरूर कहा है कि जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और वहीं तमाम जो मामले जो घटना घटी है इस पर जांच की जा रही है, और वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। जी बिल्कुल तस्लीम, लेकिन देखिए कोई पहली ऐसी घटना सामने नहीं आई है। देखिए, एक जो पीड़ित है वो मासूम है, क्योंकि वो ओवररेट देने का सिर्फ विरोध कर रहा था कि आप सामान ओवररेट में दे रहे हैं, क्योंकि देखिए महंगाई अब ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इससे जनता वैसे ही पीड़ित है, और ऐसे में जब दुकानदार या सेल्समैन ओवररेट सामान देंगे, तो जब उसका विरोध करेंगे, तो अगर इस तरह की तस्वीर आएगी, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर आम जनता जाएगी कहाँ, क्योंकि पुलिस ने तो अभी कह दिया कि हम गिरफ्तारी करेंगे, अब तक गिरफ्तारी क्यों हुई आखिरकार? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महंगाई है, किसी से छुपी नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार जनता पूरी तरह से परेशान है। तमाम जो व्यापारी की बात करें या फिर अन्य वर्गों की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरह से महंगाई को देखते हुए पूरी तरह से सभी के सामने दिक्कतें हैं। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह का विरोध कोई कर रहा है तो उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है, और यदि इस तरह बात रखने पर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं इंसान को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, और ऐसे में ऐसे लोगों पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और वहीं कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक संदेश जाना चाहिए कि अगर इस तरह की दबंगाई या कानून व्यवस्था को चुनौती देने का अगर कोई काम करता है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई के जरिए पुलिस को संदेश देना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जी पारुल बिल्कुल तस्लीम, मैसेज तो यही देने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैसेज पहुंचता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जब कार्रवाई नहीं की जाती, पुलिस ने जिस तरह से अभी कहा कि गिरफ्तारी होगी, आरोपी को ढूंढा जाएगा, इसीलिए शायद इस तरह की घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होने की दावा किया जाता है शासन की तरफ से कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, यूपी में कोई भी अपराध नहीं है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है, यह दिखता है कि अब दबंगों में, अब अपराधियों में कानून का कोई भी डर नहीं बचा। बिल्कुल पारुल, जब ये वीडियो सामने आया तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दबंगों में कानून व्यवस्था को लेकर कोई खोफ नहीं है,
प्रशासन का यहाँ पर कोई ठोस नजर नहीं आता है, क्योंकि अभी सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी बदमाश हो या फिर कोई भी दबंग हो, किसी भी व्यक्ति में अगर कानून का ठोक होता है, कानून का डर होता है, कानून व्यवस्था का डर होता है, तो ऐसे में इस तरह की घटना को घटित करने से पहले वो 10 बार सोचता है और बाद में कदम उठाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो वीडियो वायरल हुआ है, कानून व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं चुनौती देता नजर आ रहा है। तो ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद तमाम सवाल या निशान लगातार खड़े हो रहे हैं। जी पारुल जी, चलिए तस्लीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरनगर की ये वीडियो आप देख सकते हैं, किस तरह से सेल्समैन की दबंगई साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ग्राहक को जमकर पीटता हुआ ये सेल्समैन नजर आ रहा है। और मामला सिर्फ ये था कि ग्राहक ने ओवर रेट सामान देने का सिर्फ विरोध किया था और इसीलिए इस सेल्समैन की दबंगई सामने आई है। हालांकि वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये 5 तस्वीरें एक बार बता रहे हैं, बेखौफ अपराध लगाम कब, ये सवाल लगातार इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यूपी में ये बढ़ती आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ता हुआ यूपी में दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठना बेहद लाजमी है कि आपराधिक घटनाओं पर, वारदातों पर आखिर यूपी में लगाम कब लगेगी। क्योंकि आए दिन देखते हैं हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बहुत वादे करते हैं, बहुत सरकार की अपनी तारीफ करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से रखा है यूपी में, लेकिन ये 5 तस्वीरें इस बात का सबूत देती हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था किस तरह से है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे तीसरी खबर की ओर, जहां पर आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, आखिर ये पूरा मामला क्या है ये विस्तार से आपको बताएंगे। तो लखनऊ कहने को तो यूपी की राजधानी है, लेकिन जब राजधानी में ये क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगे तो भला बताइए कि बाकी जिलों में क्या होगा। जी हाँ, हम आपको लखनऊ की एक ऐसी ही वारदात के बारे में बता रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था की पोल खोल जाएगी। तो ताजा मामला चिनहट थाना क्षेत्र में मटियारी का है, जहां दो लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। खैर, विवाद होना तो एक आम बात है, लेकिन यह विवाद जब थाने के पास हो रहा हो और पुलिस की जगह वहां मौजूद लड़कियों के बीच बचाव करना पड़े तो ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि दोनों युवकों के बीच ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद लड़कियों को दोनों का बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन पुलिस को इस मामले से बिल्कुल भी इस मामले की भनक तक नहीं लगी। तो लखनऊ की तस्वीरें देख सकते हैं, कानून व्यवस्था किस तरह से लखनऊ में है ये वो तस्वीर दिखा सकती हैं कि पुलिस चौकी के पास ही ये दो युवकों में मारपीट हो रही है किसी बात को लेकर, लेकिन पुलिस को इस पूरी घटना की कोई भी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब मारपीट ज़्यादा बड़ी, विवाद दोनों में ज़्यादा बढ़ा, तो वहाँ आसपास मौजूद लड़कियों ने ही बीच में घुसकर इन दोनों का बीच बचाव किया। तो आपको बता दें कि लगातार कानून व्यवस्था की पोल खुलती हुई यूपी में नजर आ रही है। पुलिस चौकी के पास दो युवकों में ये मारपीट की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई थी, और ऐसे में आपको बताई थी कि किस तरह से अगर राजधानी लखनऊ में ही कानून व्यवस्था के ये हाल हैं, तो पूरे यूपी में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था होगी। क्योंकि लगातार आज हमने इसीलिए ये प्रोग्राम रखा ताकि लखनऊ सहित पूरे यूपी में जिस तरह से कानून व्यवस्था की पोल खुल रही है वो आपके सामने लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रशासन शासन की तरफ से लगातार ये वादे किए जाते हैं, ये दावे किए जाते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, अपराध बिल्कुल नहीं है, अपराध मुक्त यूपी हो चुका है, लेकिन आखिर असलियत क्या है ये आपको दिखाना बेहद जरूरी है। इसीलिए लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, लगातार यूपी में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था की पोल खुलती जा रही है, लखनऊ में ही यह मामला सामने आया कि दो युवकों में मारपीट हो रही है और महज पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर, और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जी बिल्कुल, देखिए चिनहट मटियारी चौकी जो है वो ठीक चौकी के बिल्कुल सामने ही चौराहा लगता है, काफी भीड़भाड़ इलाका है और यहाँ पे कल रात देर की घटना है ये। और लेकिन सबसे ताजुब की बात यही है कि अब खुलेआम लखनऊ की अगर खासतौर से हम बात कर रहे हैं तो अब महिलाएं हो सड़क पे उतर के मारपीट करने के कई ऐसे मामले आ चुके हैं।
खासतौर से अगर हम पिछले बार की बात भी करते हैं तो एक प्रदर्शनी मामला हुआ था, वो भी थमा नहीं था। उसके बाद एक महिला ने चौक में टेम्पो चालक को पीट दिया था, और उसके बाद अब आशियाना की भी एक घटना सामने निकल के आई थी। और कल देर रात की एक घटना है, जिनट मटियारी चौकी है ठीक सामने, और उसके सामने इतने जमकर मारपीट हुई है। लेकिन सबसे ताजुब की बात इसमें यही थी कि जो पुलिस थी उसको पूरे मामले जब निपट चुके थे तब उनको दखल देना पड़ा, और वहीं के जो लोगों ने वहां पे पुलिस चौकी पहुंच के बताया कि सामने के चौराहे पे मारपीट हो रही है। बिल्कुल रूबी, देखिए ये मारपीट की वीडियो लगातार हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या था, ये दो युवकों में मारपीट हो किस बात को लेकर रही थी? देखिए जो मामला था उसमें कुल मिला के यही सामने निकल के आया है, कुछ आपसी मतभेद हो गए थे और पहले बातचीत हो रही थी। बातचीत होते होते मतलब सड़क पे ही ये लोगों ने मौका नहीं दिया एक दूसरे को समझने का, और वहीं पे ताबड़तोड़ थप्पड़ और जूते और लात इनका चालू शुरू हो चुका था। लेकिन सबसे अहम बात यह है, वो चौराहा जहाँ पे चिनट बटियारी चौराहा है, काफी बड़ा यहाँ पे पॉश इलाका माना जाता है, और आसपास जितने भी है काफी मार्केट है, और खासतौर से बीबीडी यूनिवर्सिटी भी पास में ही लगता है। लेकिन ऐसे में भीड़ भाड़ इलाकों में इस तरीके से मारपीट का होना एक अहम सवाल जरूर बन रहा है, क्योंकि योगी सरकार हमेशा इसी बात को लेकर कहती आई है कि कानून व्यवस्था है वो है वो चौपन्न है। तो बिल्कुल नजर तो नहीं आ रहा है क्योंकि जरा सी बात होती है और हाथापाई पे। बिल्कुल रूबी, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से इन दोनों युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? देखिए पुलिस जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से का यही कहना रहा है कि आपसी बातचीत थी, उनको समझा बुझा के भेज दिया गया है। कोई ऐसे मामले में अभी मामला भी दर्ज नहीं किया गया है। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा था कि जो थाना जो चौकी लगती है यहाँ का जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने बाद में पहुंच के जब दखल किया है उसके बाद दोनों पार्टियों को बैठाया गया है, और उसके बाद ही जानने की पूरी कोशिश इस बात को लेकर थी वजह ऐसी क्या रही जो रास्ते में ही हाथापाई शुरू हो गई थी। तो आपसी बातचीत थी, दोस्त थे सब आपस के, और कहीं ना कहीं बातचीत को लड़ाई में तब्दील होती चले गई और नौबत इतनी आ चुकी थी कि वो हाथापाई पे आमादा हो चुके थे। चलिए रूबी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दो युवकों के बीच विवाद हो गया, आपसी बात को लेकर कुछ दोनों में विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि कानून व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई, वो इसलिए क्योंकि पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूर पर ये दोनों युवक लड़ते रहे और बहुत देर तक दोनों के बीच ये मारपीट चलती रही, लेकिन पुलिस को कानों कान इस बात की कोई भी खबर नहीं लगी। और ऐसे में कुछ वहाँ पर मौजूद लड़कियों ने इन दोनों युवकों को बचाया, हालांकि पुलिस को बाद में जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बीच जो है आपसी बात कराकर मामले को सुलझवा दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का, अगली घटना का, जो गाजियाबाद से है। आपको बता दें गाजियाबाद के कोतवाली लोनी के गिरी मार्केट कॉलोनी के पास एक होटल संचालक आयुब से व्हाट्सएप कॉल पर बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। वहीं बदमाशों ने पैसे न देने पर होटल संचालक को जान से मारने की धमकी भी दी। आयुब ने बताया कि उसके पास व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से कॉल आई, जहां फोन पर एक बदमाश उनसे बात कर रहा था। उसने अपने गैंग का नाम और अपना नाम बताकर उनसे 20 लाख रुपए मांगे और पास पैसे को नोएडा आकर देने के लिए कहा, साथ ही पैसे न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दी, जिसके बाद पुलिस रंगदारी मांगने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर होटल संचालक से बदमाशों की ये रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, और ऐसे में पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। आपको बता दें ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ये पूरा मामला है और क्या अब तक पुलिस को ये आरोपी मिल चुके हैं, कोई जानकारी उनके बारे में मिली क्या? देखिए जिस तरह की ये वारदात हुई है उसके बाद से ही पुलिस लगातार जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर जांच कर रही है और तलाश कर रही है। हालांकि अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जैसे कि हमारी बात हुई थी लास्ट अपडेट तक वो पुलिस के हिरासत में नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी पहचान अभी बताई जा रही है। पुलिस तमाम जो उस रास्ते में सीसीटीवी है उनको खंगाल रही है और उनकी पहचान कर उनको गिरफ्तार करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से देखिए ये हैरान करने वाली बात है कि अचानक से एक होटल संचालक के पास व्हाट्सएप पे कॉल आता है और कोई 20 लाख की रंगदारी मांगता है, ये बेहद हैरान करने वाला मामला है। क्या होटल संचालक का किसी से विवाद था, क्या कुछ और बात थी, अचानक से ऐसे कैसे किसी ने कॉल कर दिया?
देखिए इस पे जो बात है, अभी ये जब बात पूरी सामने जब आ पाएगी, जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तब जाके तमाम जो पहलू हैं वो खुलकर सामने आएंगे। और अगर बात की जाए इस तरह की वारदातें, ये कोई पहली वारदात नहीं है। गाजियाबाद में इस तरह की पहले भी वारदातें हुई हैं, लगातार रंगदारी जैसे मामले सामने आते रहते हैं, चाहे वो लोन बिल्कुल हो, बिल्कुल जितेंद्र आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पहला कोई मामला नहीं है, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है, वारदातें सामने आती रहती है, लेकिन उसके बाद भी क्यों पुलिस इस तरह की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान नहीं लेती, तुरंत कार्रवाई नहीं करती, अब भी जो है आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा? देखिए अभी हमारी जो बात हुई है उस हिसाब से पुलिस का कहना है कि वो उनको की तलाश कर रहे हैं, जो उनको बताया गया है तमाम सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जब इस तरह की जो वारदातें होती हैं तो सीसीटीवी की कोई कमी नहीं रहती, तो इन चीजों को लेकर जो है सारी चीजें चल रही हैं, जाँच का विषय है और जाँच के बाद ही इस चीज को फाइनल किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, चलिए जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है जहां पर होटल संचालक से बदमाशों ने रंगदारी मांगी और ऐसे में रंग पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। तो आपको बता दें गाजियाबाद में होटल संचालक से बदमाशों ने ये रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का, अगली घटना के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे जो बुलंदशहर की है। बुलंदशहर में जहाँ खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के कयोली कला गाँव में पूर्व और वर्तमान प्रधान पक्ष के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि यह संघर्ष पुरानी रंजिश के चलते हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बुलंदशहर का यह पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। हालांकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में यह विवाद चल रहा है और ऐसे में खूब लाठी डंडे इन दोनों पक्षों में चले, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, हालांकि किसी ने वहां मौजूद ये वीडियो बना लिया जो अब काफी वायरल हो रहा है। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के कयोली कला गांव का पूरा मामला है जहां पर पूर्व और वर्तमान प्रधान पक्ष के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ था। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लोकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, आखिर क्या ये पूरा मामला है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए मैम, अभी प्रशासन की तरफ से पूरा मामला जब संज्ञान में लिया गया है तो पूरी कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल ये जो आर्थिक रंजित का जो मामला था, ये एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, इसको संज्ञान में लेकर प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह से दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल रहे हैं, पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है, जिसमें की महिलाएं भी हैं, खूब चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। अब इसको पूरा मामले को देखते हुए संज्ञान में लेकर के प्रशासन आगे कार्रवाई की बात कर रहा है। तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए जो भी आरोपी हैं उसके ऊपर मुकदमा दायर करके आगे कार्रवाई करने की बात है। बिल्कुल लोकेश, ये कोई इस तरह की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं किसी एक मामूली सी बात को लेकर। यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लोगों के अंदर कानून का डर ही नहीं बचा। जी पारुल, देखिए इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कानून को लेकर लगातार सवाल उठता रहता है, लगातार देखा भी जाता है कहीं अपहरण की घटना सामने आती है तो कहीं की घटना सामने आती है तो कहीं भी इनका आड़े मर्डर हो जाता है, तो इस पर कहीं ना कहीं बिल्कुल कानून के ऊपर सवाल खड़ा होता है। इसके लिए जिला प्रशासन भी जिम्मेदार होता है, शासन और प्रशासन के ऊपर भी तो सवाल उठते हैं, तो इसके लिए जरूर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि कानून स्थापित हो सके, कानून का भय लोगों के अंदर हो सके, अपराध कम हो सके। जी चलिए लोकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वर्तमान और पूर्व प्रधान में किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद थोड़ी ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो लगातार
हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ऐसे में ये 5 तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यूपी में बेखौफ अपराध और लगाम कब, ये सवाल लगातार हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये 5 तस्वीरें इस बात का सबूत देती हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, क्योंकि लगातार शासन प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर लाख वादे किए जाते हैं, लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन आज जो ये 5 तस्वीरें हमने दिखाई आपको, उससे साफ कहा जा सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने माफियाओं पर लगाम लगाई, हमने अपराध को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन जो आपराधिक घटना देखें जमीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं अब इस तरह से नजर आती हैं। इसीलिए सवाल ये उठता है कि आखिर कब थमेगा वारदातों का ये सिलसिला, ये सवाल बहुत अहम है और लगातार हम ये सवाल उठाते रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि यूपी में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इसीलिए ये सवाल उठना बेहद लाजमी है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।